दोस्तों मार्केट में ऐसी इतनी सारी BS6 200 cc की बाइक्स है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सी बाइक खरीदना चाहिए और कौन सी बाइक नहीं खरीदना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 200 cc की बहुत सारी बाइक हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरे लिए ये बाइक बेस्ट रहेगी या ये बाइक बेस्ट रहेगी या ये बाइक बेस्ट रहेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप ऐसी बाइक्स के बारे में जो 200 cc के हिसाब से सबसे बेस्ट है, जिनको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे रखा हुआ है। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे बाइक की परफॉर्मेंस और प्राइस के हिसाब से उनको यहाँ पे नंबर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है सबसे ज़्यादा प्राइस। वैसे तो परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो बाइक को लेने का रीज़न रहता है और सबसे पहले हमारी सोच होती है वो होती बजट। तो इस वजह से तो मैं प्राइस के हिसाब से बाइक्स को रखा हूँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते और बात करते 200 cc की बेस्ट टॉप बाइक्स के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो पे नए अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन दे आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सबसे पहली BS6 200 बाइक रखा हूँ, वो है दोस्तों NS200 BS6। दोस्तों सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये बाइक आप लोगों को 1,50,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को इस बाइक के बारे में बताऊं तो ये बाइक सबसे ताजी ताजी 200 बाइक थी। कहने का मतलब ये कि शुरू से स्टार्टिंग से 200 cc की सबसे बेस्ट बाइक में से एक है और सबसे पहले 200 आने वाली में से एक बाइक सी है NS200। दोस्तों NS200 जब आई थी, इसका आपको याद होगा जो ऑरेंज कलर था वो इतना ज़्यादा क्रेज मचाया था मार्केट में। और NS200 उस टाइम की जो BS3 मॉडल आती थी वो लोग बोलते थे कि भाई ये बाइक नहीं रॉकेट है। जी हाँ, इसका ऐसा क्रेज़ था, बाइक की जो पावर थी वो इतनी खास थी कि बाइक का जो आज तक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और दिलों में छा चुकी है। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस मैंने बताया आप लोगों को 1,50,000, 1.5 लाख रुपये में ऑन रोड प्राइस मिल रही है BS6 NS200। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई सबसे बेस्ट 200 cc की बाइक कौन सी है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि NS200 BS6 जैसी परफॉर्मेंस वाली 200 cc सेगमेंट में कोई भी बाइक आपको नहीं मिलेगी। और जिस प्राइस में आपको ये बाइक मिल रही है, आपको वो परफॉर्मेंस किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलने वाली, ये आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड मैंने बाइक रखी हुई Duke 200 का जो प्राइस ऑन रोड आप लोगों को देखने को मिलता है वो है 2 lakh rupees। जी हाँ दोस्तों, 2 lakh rupees इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। दोस्तों ये बाइक जब आई थी मार्केट में तो इस बाइक का इतना ज़्यादा क्रेज़ था। अब आप देखेंगे कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो BS6 मॉडल है, लेकिन इसका जो BS4 मॉडल आता था उसका इतना ज़्यादा क्रेज़ था मार्केट में। उसका जो लुक था, लोग मतलब नाम काफ़ी था, ड्यूक मतलब एक प्रीमियम बाइक। जी हाँ दोस्तों, ड्यूक बोलना मतलब एक प्रीमियम बाइक, KTM बोलना मतलब एक प्रीमियम बाइक। ऐसा क्रेज़ था इस बाइक का। ऐसा क्रेज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है, इस बाइक की जो पिकअप है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि किसी 200 cc के सेगमेंट में आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैंने NS200 को फर्स्ट रखा, इसको सेकंड इसलिए रखा क्योंकि दोनों बाइक में सीधे सीधे 50,000 का प्राइस डिफरेंस है। तो मुझे ऐसे लगता है कि NS200 इज बेटर देन Duke 200, लेकिन Duke भी अपनी जगह पे सबसे बेटर है और सबसे अच्छी बाइक्स है। ऐसी प्रीमियम बाइक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बहुत ही खास बाइक में से एक है। 2 lakh rupees में ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है, जो कि न्यू मॉडल BS6 है और इसमें बहुत अच्छे खासे अपडेट हुए हैं। और बाइक का जो लुक है वो एज इट इज आपको Duke 250 जैसा देखने को मिल रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए और आपका बजट 2 lakh rupees है, तो Duke 200 BS6 से बेटर बाइक आपको नहीं देखने को मिलने वाली। दोस्तों इनमें कंपटीशन करने वाली एक बाइक आती है जो कि एक रेसिंग स्पोर्ट बाइक है। अब उसकी जो बात अलग है वो बहुत ही अलग है। जब दोस्तों अब मैंने थर्ड पे रखा हुआ है RS 200 BS6 को, क्योंकि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे दोस्तों मैं RS 200 BS6 आपको अगर मैं बताऊँ तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,70,000 के आसपास का। बाइक की जो परफॉर्मेंस है, बाइक का जो साउंड है ना, वो आपको किसी भी व्हीकल में देखने को नहीं मिलेगी।
RS200 को सबसे ज्यादा दो चीजों के लिए पसंद किया जाता है, एक तो इसका पावर, इसका साउंड, और वहीं इसका जो प्रोजेक्टर लाइट है वो इतनी खास लगती है। और 170,000 में ये जो बाइक आपको मिल रही है, ऐसी आपको 200cc की सेगमेंट की बाइक किसी भी आपको ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जो परफॉर्मेंस है इतनी ज्यादा खास है ना, आप इसका साउंड सुनेंगे तो आपको फील होगा कि मैं स्मॉल सुपर बाइक चला रहा हूँ, इसका इस टाइप का स्पोर्टी साउंड आता है। तो इसलिए दोस्तों थर्ड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा RS200 BS6 आप परचेस कर सकते हैं, ये भी बहुत खास और प्रीमियम बाइक में से एक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा हुआ है नेक्स्ट बाइक अपाचे RTR 200 BS6। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको फर्स्ट में होना था, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे यहाँ पे रखा है। दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है अपाचे RTR 200 की वो भी काफ़ी खास है। इसमें आप लोगों को जो BS6 है उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 145,000 से 150,000 के बीच का, थोड़ा सा प्राइस इधर उधर हो सकता है। दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आप लोगों को जो फीचर मिल रहे हैं, डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिलता है, फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है आपको शुरू से मिल रहा है, और वहाँ पे दोस्तों स्मार्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन आ गया है। इसकी भी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी खास है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि NS200 RS200 की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। इस वजह से मैंने वो बाइक को पहले रखा। इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर आप TVS लवर है, अगर आपको TVS की बाइक पसंद है, अपाचे RTR भी बहुत ओल्ड सीरीज है, अगर आपको अच्छी लगती है तो भी आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। ये भी बाइक 200 सेगमेंट की सबसे एक प्रीमियम बाइक्स में से एक है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट 200cc के बारे में बात करूं तो वो है दोस्तों RC200 BS6। देखिए RC200 BS6 का जो प्राइस है वो है 2,27,000 के आसपास, 2,27,000 रुपये के आसपास बाइक का प्राइस पड़ता है। लेकिन मैंने इस बाइक को लास्ट में इसीलिए रखा दोस्तों क्योंकि इस बाइक का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए अगर आप इन बाइक से कंपैरिजन करेंगे तो जो मैंने आप लोगों को पहले बताई, मैं मानता हूँ कि ये बाइक एक प्रीमियम है, लेकिन भाई मेरे से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है मनी, पैसा। अगर आपको उसी पैसे में अगर परफॉर्मेंस करने वाली बाइक मिल रही है तो इसलिए मैंने उन बाइक को फर्स्ट रखा। अब दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे तो ये बाइक आप लोगों को KTM की तरफ से RC200 BS6, जो कि इसका काफ़ी अच्छा लुक आप लोगों को देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यू जो ग्राफिक है ब्लैक वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और बाइक भी बहुत ज़्यादा ओवरऑल प्रीमियम तो लगती ही है। लेकिन बाइक का जो प्रोजेक्टर लाइट है, बाइक का जो लुक है ना, वो इतना ज़्यादा खास लगता है। आप इस बाइक को लेके घूमेंगे अगर मार्केट में तो लोग आपको मुड़ के ज़रूर देखेंगे कि आप कौन सी बाइक में घूम रहे हो। तो इस बाइक की एक चीज़ बहुत मुझे खास लगती है वो है इसकी प्रीमियम, और साथ में जैसे आपको पता है कि KTM का इंजन है तो परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा खास रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों ये बाइक भी बहुत ज़्यादा आपको एकदम एग्रेसिव प्रीमियम लुक मिलेगा, मस्त वाली हैंडलिंग मिलेगी, प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी। अगर आपका बजट 2,27,000 यानी 30,000 के आसपास है तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आगे चल के ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम बाइक्स है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा।